डॉक्टर बर्मन, जब ये बात आती है कि एंटीबायोटिक, तो उसमें हम ज़्यादातर रुक जाते हैं फंगस तक या बैक्टीरिया तक, लेकिन इसका एक बहुत ब्रॉड टर्म सामने आता है और वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एंटीबायोटिक जब आ गया जी, तो नेचर का भी है, आप एवोल्यूशन समझिए डार्विन के समय से जी, तो जितने आपके बैक्टीरिया हैं वो फाइट बैक करने लगे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम पेनिसिलिन से मरते हैं, तो म्यूटेट हो गए, उनका जो डीएनए है वो ही बदल गया। डीएनए जब बदल गया तो पेनिसिलिन का रेजिस्टेंस हो गया, जिसकी वजह से वो पेनिसिलिन से नहीं मार खा सकते, मतलब वो उसके जो पहले विरुद्ध लाए थे हम उसके कीटों के विरुद्ध, वही उल्टा उसके पड़ गया। तो ये तो एवोल्यूशन है, ये तो नेचर है, ये होने ही का है। और ये होता इसलिए है क्योंकि ये इसकी जो इस्तेमाल होती है वो ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रही है। ये बाद में लोगों ने रियलाइज किया कि ये इस्तेमाल ठीक से नहीं हो रही है, इसको अगर ठीक करेंगे तब इतना ये समस्या नहीं आएगी। जी जी जी। बर्मन जी, अभी हाल ही में जो हमारी चर्चा का जो पहले अंश में चर्चा हुई, उसमें डॉक्टर केएमएल पाठक ने बताया कि इसका प्रयोग पशुओं पर भी किया जा रहा है, लेकिन पशुओं की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ दुधारू पशुओं तक रह जाते हैं, लेकिन जो छोटे पशु हैं या फिर जो पक्षी हैं, खासकर अगर मैं जिक्र करूं मुर्गी पालन पोल्ट्री का या फिर डक फार्मिंग का, इस पर इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो अब ये जो एंटीबायोटिक्स है जी, ये पोल्ट्री पर इस्तेमाल होने लगा, और ये बीमारी के लिए नहीं, ये इस्तेमाल होने लगा कि उनका वजन कैसे बढ़ा जाए, तो एक साइड इफ़ेक्ट हुआ है ये एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने का कि उनका वज़न जल्दी बढ़ जाता है जी। तो जल्दी बढ़ जाता है, उसमें प्रॉफिट जल्दी हो जाते हैं, तो इसकी वजह से वो इस्तेमाल होने लगा। लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो हुआ कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो कह रहे हैं, जो आपका बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट स्ट्रेन फिर शुरू हो गया जी। और फिर जो एंटीबायोटिक उसको मारती थी वो नहीं मार सकता है, तो ये फिर ह्यूमंस में आ गया। तो ह्यूमंस में आ गया तो एंटीबायोटिक जब ह्यूमंस को देते हैं, कोई बीमारी होती है तो वो मरता नहीं है, तो फिर नया एंटीबायोटिक यूज़ करना होता है। इस तरह से तो इस्तेमाल करना गलत काम है। तो अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बैन कर दिया है कि ये बैन करो, यूरोप में ने बैन कर दिया है, इंडिया ने भी बैन किया है, लेकिन वो एक्चुअली बैन कैसे हुआ है, वो जो बड़े बड़े जो इंटीग्रेटर्स हैं वो कर रहे हैं कि नहीं, ये देखना चाहिए। लेकिन डॉक्टर बर्मन, यहाँ पर एक बात ये आती है कि जो हमारे देश की बात की जाए तो अगर चिकन का बाजार जो है उसमें 80% बाजार तो वो है जो कि आपके काबू में नहीं है, खुला बाजार है, और लगभग 20% के करीब बाजार ऐसा है जहां आप ये कर सकते हैं कि उसमें स्टेचरी बार्निंग रिलीज कर सकते हैं, फ्रोजन मीट के समय में समझ सकता हूं। ठीक कह रहे हैं। अन्यथा इसका तो मेरे ख्याल से मतलब इस तरीके से हम आगे बढ़ भी नहीं सकते। इसका तो एक ही उपाय है जी, कि जो बड़े बड़े इंटीग्रेटर्स हैं जो 80% मार्केट कंट्रोल करते हैं जी जी, उस पर जरा ध्यान रखा जाए और गवर्नमेंट जरा ध्यान रखे कि इसमें एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रमोशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो। और दूसरी बात है कि जो जितने बड़े बड़े इंटीग्रेटर्स हैं जो 80% मार्केट कंट्रोल करते हैं, जब उनको मालूम है कि एंटीबायोटिक्स के बदले हर्बल ग्रोथ प्रमोटर 4-5 कंपनियां बनाती हैं, तो वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? तो वो ज़रूर वो किसी तरह का लगाम या कुछ जी लाना जी चाहिए जी जी जी। जैसे कि वो हर्बल ग्रोथ प्रमोटर हैं वो इस्तेमाल करें। ये 4-5 कंपनी बना रही है और ये पूरा टेस्टेड है कि जो वही काम करता है जो एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रमोटर करता है, तो वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते?
डॉक्टर बर्मन, एक बात ये आती है कि जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे पोल्ट्री को लेकर के, मैं समझता हूँ कि पोल्ट्री के अलावा और भी पशुओं पर इसका प्रभाव है जैसा कि पाठक सर ने भी कहा, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन क्या सोचा जा सकता है? और ख़ासकर मैं क्योंकि आप उस दिशा में काफ़ी कार्य कर रहे हैं हर्बल्स को लेकर के, हर्बल को देखते हुए क्या विशेषकर इसका प्रयोग हो सकता है? सोल्यूशन अगर कोई पूछा जाए जी, तो जो 80% मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं उस पर अगर ध्यान रखा जाए तो ये पार्टली सोल्यूशन हो सकता है। जो 80% जो कर रहे हैं 5 प्रोड्यूसर्स हैं पोल्ट्री के, तो उस पर अगर ध्यान रख के किया जाए और देखा जाए कि वो ग्रोथ प्रमोशन के लिए एंटीबायोटिक नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाकी सब भी लाइन में आ जाएंगे। ये हमारे ख्याल में अगर हो सके तो वो करने से ये पूरे देश को वही फायदा होगा। तो ये एक सलूशन है जी, जी। दूसरा आपने पूछा था जी कि इसके अलावा हर्बल्स को, बिल्कुल हर्बल्स जो इस्तेमाल हो सकता है ये इसका दूसरा उपाय है। जो एंटीबायोटिक करता है वो हर्बल भी कर सकता है, तो हर्बल के प्रमोशन के लिए वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? वो कहते हैं हर्बल है ही नहीं, ये काम नहीं करता है। तो काम करने के लिए तो इतना इवैल्यूएशन हो सका है, इतने पेपर आ गए हैं कि काम कर रहा है, तो फिर आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ये भी एक समस्या है जी, जी, जी। जिसको हम लोग को सुझाव देना है।